गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र सुरेश पाठार है। मैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, आग लगने के बाद हम लोग किस तरह से आग के साथ हम लोग किस तरह से फाइट कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर है, उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट है, ये आप जानते रहेंगे। इसको क्या बोलते हैं, MCP मॉल मैनुअल कॉल पॉइंट, समझ गए। और इसको स्मोक डिटेक्टर, जो पहले ही फायर की चेतावनी देता है, आग लगने की जो स्मोक डिटेक्टर, जब आग लगती है तो पहले धुआं निकलता है, बराबर है कि नहीं, उसका ये स्मोक डिटेक्टर डिवाइस है। उसके बाद में जब ये डिवाइस एक्टिवेट होता है तो ये सायरन बजता है, समझ गए। ये आपके सिस्टम में मॉल में लगा हुआ है। ये है स्प्रिंकलर, ये भी लगा हुआ है, बराबर कि ना, आपने देखा रहेगा। ये स्प्रिंकलर क्या काम करता है, 68 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद ब्लास्ट होता है, इसमें से पानी निकलता है, जो पानी का फ्लो होता है। और ये जब बड़ी आग लगती है तब हमको ये यूज़ करना होता है, ये इसको बोलते हैं कैनवास होस पाइप, ठीक है। तो आग के प्रकार के बारे में आपको अभी मैं बताऊँगा, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो आग एक क्या है, ट्रायंगल है, ज्वलनशील पदार्थ है। क्या है, ज्वलनशील पदार्थ, आग एक ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। तो आग कैसे लगती है, कोई बता सकता है आग कैसे लगती है? तीन चीज़ों से आग लगती है, कौन से तीन चीज़ों से आग लगती है, कौन से तीन चीज़ें हैं? हीट, आग एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं ना, आग एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं उसको, ठीक है। आग, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ों के एक साथ मिलने के बाद आग क्या होती है, आग लगती है। तीन चीज़ें एक साथ मिलने के बाद आग लगती है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। ये तीनों में से अगर एक को अभी हम लोग हटाते हैं तो क्या होता है, आग बुझ जाती है, ठीक है। अभी आग के प्रकार कितने मालूम है आपको, आग के प्रकार कितने हैं, आग के प्रकार कितने हैं, हाँ तीन आग के प्रकार है, पांच, ठीक है। हम लोग क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई से हम लोग चालू करेंगे। क्लास ए से हम लोग क्लास ए से लेके क्लास ई तक, ठीक है। क्लास ए का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? क्लास ए, क्लास ए में क्या आएगा, ए क्लास ऑफ फायर, बी क्लास ऑफ फायर, सी क्लास ऑफ फायर, डी क्लास ऑफ फायर, ई क्लास ऑफ फायर। ए क्लास में साधारण आग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, कोई बोल सकता है? ए क्लास का मतलब साधारण आग, क्या बोलते हैं उसको, साधारण आग, यानी ए क्लास ऑफ फायर। साधारण आग में क्या क्या आएंगे, साधारण आग में क्या क्या आएगा, हाँ लकड़े को लगी हुई आग, अभी हम लोग पुट्टे को लगाएंगे आग, बराबर है, से तो ये साधारण आग हो गई, पुट्टे को लगी हुई आग, कचरे को लगी हुई आग, प्लास्टिक को लगी हुई आग, कोयले को लगी हुई आग को हम लोग साधारण आग कहेंगे। साधारण आग हम लोग एक क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझाएंगे, कौन से, एक क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे। ए क्लास ऑफ फायर, बी क्लास ऑफ फायर, सी क्लास ऑफ फायर, ये डी क्लास ऑफ, ये क्लासेस है, बराबर। ए क्लास यानी साधारण आग, यानी जनरल फायर बोलते हैं उसको, ठीक है। हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से कौन सा बुझाएंगे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ए, बी और सी, ये तीन क्लास ऑफ फायर को हम लोग ये आग से बुझा सकते हैं, बराबर है। उसके बाद में हम लोग ये इलेक्ट्रिकल फायर के लिए हम लोग इससे बुझाएंगे, यहाँ पे लिखा देख सकते हो आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें, ठीक है। तो हम लोग ये साधारण आग ये फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे, ए क्लास ऑफ फायर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे, और पानी से भी हम लोग बुझा सकते हैं साधारण आग को, ठीक है। उसके बाद में बी क्लास आएगा, कौन सा क्लास आएगा, बी क्लास का मतलब कौन सी लगी हुई आग, बी क्लास यानी, बी क्लास का मतलब लिक्विड फायर, समझ रहे हो ना, लिक्विड फायर, आवाज आ रहा है क्या आपको मेरा, हाँ, बी क्लास यानी लिक्विड, लिक्विड फायर, लिक्विड का मतलब क्या है, हाँ पातल पदार्थ, बरो कि ना, पातल पदार्थ, लिक्विड ऑफ फायर का मतलब पातल, यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्पिरिट से लगी हुई आग को हम लोग बी क्लास ऑफ फायर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बी क्लास ऑफ फायर, बराबर है। उसको भी हम लोग कौन से
कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आग बुझा सकते हैं उसे, यही फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग बुझाएंगे। ये है ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, बराबर है, बी क्लास ऑफ। और ये भी है, हम लोग इससे भी बुझा सकते हैं, बी क्लास में आएगा, ठीक है। तो ये पेट्रोल डीजल केरोसिन की लगी हुई आग को भी हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे। उसके बाद में कौन सा क्लास है, सी क्लास यानी गैस की लगी हुई आग। गैस यानी कौन से गैस, हमारे यहाँ पे गैस सिस्टम है, यहाँ पे कुकिंग गैस होता है, LPG महानगर गैस, ठीक है, ये सारे गैस है। इस गैस को अगर बुझाना है, गैस की आग लगती है तो कैसे बुझाएंगे, कैसे बुझाएंगे गैस की आग लगती है तो हम लोग कैसे बुझाएंगे, यही फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझाएंगे। मगर क्या करना है हमको, फ्यूल को हटाना पड़ेगा पहले, क्या करना पड़ेगा, फ्यूल को हटाना पड़ेगा। फ्यूल यानी क्या, गैस सामग्री, जिस सामग्री को आग लगी है तो उसको हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ से गैस चालू है और वहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज़ करेंगे, हमारा फायर एक्सटिंग्विशर ख़त्म होएगा, गैस ख़त्म होगा क्या, वो तो चालू ही रहेगा ना। इसके लिए मेन क्या करना होता है हमको, फ्यूल को हटाना मतलब ब्लैंक, फ्यूल को हटाना मतलब क्या, यानी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वॉल, मेन वॉल जो है वो बंद करना पड़ेगा और उसके बाद में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा सकते हैं, बराबर है। उसके बाद में डी क्लास आता है, डी क्लास यानी मेटल से लगी हुई आग, मेटल को लगी हुई आग। मेटल यानी क्या, धातु, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब धातु जो होते हैं वो बड़े बड़े कंपनी में होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं, तो वहाँ पे अगर लगती है तो ये आग उसी से हम लोग बुझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ई फॉर इलेक्ट्रिकल आग हम लोग कैसे बुझाएंगे, इलेक्ट्रिकल आग कैसे लगती है, शॉर्ट सर्किट से लगती है, जब वायर में लूज कनेक्शन होता है तब, जब स्पार्क निकलता है, स्पार्क निकलने के बाद फेज न्यूट्रल एक साथ जब होती है तो क्या होता है, आग लगती है, बराबर है कि नहीं, आग लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है तब आग फैल जाती है। उसके बाद में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फ्यूल को हटाना मतलब क्या, फ्यूल यानी सामग्री, इलेक्ट्रिसिटी को आग लगी है तो हटाना है, पहले हम लोग मेन स्विच क्या करेंगे, बंद करेंगे। हमेशा देख लो कि जिसको आग लगी है हम लोग पहले उसको हटा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हटाने के बाद आग कम हो सकती है, समझ गए। तो इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो भी हम लोग क्या करेंगे, मेन स्विच सप्लाई हम लोग बंद करेंगे, और किससे बुझाएंगे, ये फायर एक्सटिंग्विशर, इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जोर से बोलो एकदम, आवाज सुनाई देना पड़े, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो हम लोग कैसे बुझाएंगे उसको, कार्बन डाइऑक्साइड से गैस सिलेंडर से बुझा सकते, बराबर कि नहीं, हाँ। उसके बाद में अभी आग एक ट्रायंगल है, बराबर है, ट्रायंगल ऑफ फायर, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन से हम लोग आग बुझाएंगे, बराबर। अभी हीट को हटाना है, फ्यूल को भी हटाना है और ऑक्सीजन को हटाना है, तो लेकिन इसमें से तीनों में से एक को भी हटाएंगे, क्या करेंगे, एक को भी हटाएंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी, बराबर है, तीनों में से एक को हटाएंगे। अभी चलो मैंने हीट को हटा दिया, साधारण आग लगी है, हीट हो गई है, बराबर, गर्मी फैल गई है, हम लोग क्या करेंगे, हीट को हटाना मतलब क्या करना, हीट को हटाना मतलब कूलिंग करना, हीट को हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, पानी से ठंडा करेंगे, और कूलिंग का मतलब क्या, ठंडा करना, हीट को ठंडा करना मतलब पानी से बुझाना, बराबर। हीट को कूलिंग किया तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। मगर हम लोग साधारण आग लगेगी तब हम लोग क्या करते सकते हैं, पानी से बुझा सकते हैं, बराबर है। उसके बाद में हीट को हटा दिया हमने, कूलिंग कर दिया, पानी से बुझा दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, हीट को हटा दिया मैंने, ऑक्सीजन को हटाना है, अभी क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीजन को हटाने के लिए, कोई बता सकता है, ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे। अभी आप देखते हो कि एक दिया जल रहा है, बराबर, हम लोग ने दिया जलाया है और उसके ऊपर हम लोग ने एक क्या रखा है, हुड्डा रखा, हमने क्लोज कर दिया, हवा जाने का रास्ता बंद कर दिया,
तो क्या होगा, यानी ब्लैंकेटिंग करना, ऑक्सीजन को हटाना, मतलब बर्न हो जाएगा ना, बराबर कि नहीं, आग लगना बंद हो जाएगा क्योंकि हमने उसको ऊपर से कवर कर दिया, हवा जाने का रास्ता बंद हो गया। तो क्या, जितना ऑक्सीजन है अंदर उतना ही आग लगेगा, उसके बाद में वो बंद हो जाएगा, बराबर कि ना। ऑक्सीजन को हम लोग कैसे हटाते हैं, अगर ये फायर एक्सटिंग्विशर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो क्या करते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन कट होता है, ब्लैंकेटिंग होता है, यानी उसके ऊपर पाउडर की लेयर आ जाती है, बराबर कि जब मैं फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करता हूँ तो उसके ऊपर क्या आता है, लेयर आती है, पाउडर की लेयर, पाउडर का झाग पूरा ऊपर उसके ऊपर कवर कर लेता है, फिर क्या होता है, आग को सांस लेना मुश्किल होता है, तो क्या होता है, आग बुझ जाती है। यानी ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे, क्या करेंगे, जोर से बोलो, ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे, बराबर है, हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे, और उसके बाद में है क्या है, उसके बाद में क्या है, हीट हुआ, ऑक्सीजन से मैंने कट कर दिया, आग बुझ गई, हीट को हटा दिया कूलिंग करके, बराबर, ऑक्सीजन को हटाया ब्लैंकेटिंग करके, अभी फ्यूल को हटाना है, क्या करेंगे हम लोग, फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्यूल को हटाने के लिए, फ्यूल यानी सामग्री, अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है, हम लोग क्या करते हैं, मेन स्विच बंद करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया, यानी स्टारवेशन करना, क्या बोलते हैं उसको, स्टारवेशन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टारवेशन करना, यानी फ्यूल को हटाने का मतलब स्टारवेशन करना, मैं जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी की मेन सप्लाई मैंने बंद कर दिया तो क्या होगा, स्टारवेशन किया, यानी मेन सप्लाई बंद करने के बाद क्या होगा, आग बुझ जाएगी, यानी सप्लाई बंद होगा, आग बुझने के लिए उसके बाद में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे, मगर एक तरफ से सप्लाई चालू है और हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश करेंगे तो बुझेगी क्या, नहीं बुझेगी ना, बराबर, यहाँ से सप्लाई चालू है, अभी यहाँ से बहुत सारा, अभी साधारण अभी आग लगती है तो बहुत सारा ये है, क्या है, आग लगी है, बहुत सारा हमारे पास साधारण आग का यानी फूटे है, बहुत गोडाउन ही हो गया, तो जब तक मैं हटाता नहीं हूँ तब तक आग नहीं बुझेगी, जब तक मैं पूरी तरह पानी नहीं डालता हूँ तब तक बुझेगी नहीं पूरी तरह, यानी सामग्री जितनी ज़्यादा उनकी सामग्री है उससे ज़्यादा कई कम हमारे पास हथियार होते हैं, यानी ये फायर एक्सटिंग्विशर फर्स्ट एड, समझ गए, एकदम साधारण, यानी एक फायर एक्सटिंग्विशर 5 kg का होता है, वो कितना ये कर सकता है, बुझा सकता है, तो इसके लिए क्या करना होता है, हमको स्टारवेशन करना, यानी आजू बाजू में जो चीज़ें हैं उसको हटा दे और जहाँ पे लगी हुई आग है उसको ही हम लोग बुझाएंगे, यानी बुझाने के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, स्टारवेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यानी किसको हटाएंगे तो स्टारवेशन होगा, फ्यूल को हटाएंगे, क्या करेंगे, फ्यूल को हटाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टारवेशन कर सकते हैं, ठीक है, अभी समझ में आया बात, 3 चीज़ें से आग लगती है, ट्रायंगल ऑफ फायर क्या बोलते हैं, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीज़ें एक साथ आती है तो आग लगती है, हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलिंग करेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करेंगे, उसके ऊपर चादर डालेंगे, यानी हम लोग को भी अगर आग लगती है हम लोग क्या करते हैं, लेटते हैं, बराबर कि नहीं, लेटने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन कट हो जाता है, तो ये चीज़ें ऑक्सीजन को कट करने के लिए हम लोग ब्लैंकेटिंग करेंगे और फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग स्टारवेशन करेंगे। अभी देख लो कि हमको सब पता चल गया है, अभी हमको फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, क्या करना है हमको, फायर एक्सटिंग्विशर, कैसे हम लोग करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर, ये फायर एक्सटिंग्विशर हमको यूज़ करना है, कैसे करेंगे हम लोग, उसका एक मेथड है, क्या मेथड है मालूम है आपको, मेथड है पास, पास का स्पेलिंग क्या है, हाँ, PASS, पास का मेथड है, पास का स्पेलिंग क्या है, PASS, पी यानी क्या है कोई बताएगा, पी का मतलब पुल द सेफ्टी पिन, क्या है, पुल द सेफ्टी पिन, क्या है, पुल द सेफ्टी पिन, अभी यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कोई आता है और चलो पैनिक हो जाते हैं आग लगी हमको ये इस्तेमाल करना, मगर इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, हम लोग जाएंगे और उसको क्या करेंगे, ऐसे दबाएंगे क्या, लेकिन दबाने के पहले क्या है, यहाँ पे सील लगा हुआ है, सील को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे,
सील को तोड़ने के लिए भी तोड़ना आना चाहिए, ऐसे टूट जाता है वो, समझ गए। हम लोग ने तोड़ दिया, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। पहले हम लोग सील तोड़ेंगे, मगर पास का मेथड है पुल, पी से शुरुआत होती है, पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन। ये हमको पुल द सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन को क्या करना है, ऐसे पुल करना है, समझ गए, पुल द सेफ्टी पिन। अभी देख लो आप, यहाँ पे ग्रीन पे नीडल है यहाँ पे, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके अंदर प्रेशर है, क्या है, प्रेशर है, क्या है, प्रेशर दिया गया है। इसके अंदर पाउडर है जो बाहर निकलने के लिए इसके अंदर प्रेशर दिया गया है, इसके लिए प्रेशर गेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर गेज बोलते हैं। अभी ये कहाँ पे है, हरे पे, ग्रीन नीडल पे, ग्रीन ग्रीन कलर के नीडल पे है, बराबर है ना, सबको दिखता है ना, ये हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर रेड पे है तो क्या होगा, यानी रेड पे होता है तो क्या होता है, इसके अंदर का प्रेशर निकाला निकला गया होता है। अभी एक बार मैंने उसको दबा दिया तो क्या होगा, प्रेशर निकल जाएगा, बराबर है, निकलना स्टार्ट ही होगा, वन टाइम यूज़ है। अगर मैंने दो तीन उसको दो सेकंड के लिए भी मार दिया तो भी एक बार क्या होता है, उसको कार्टेज ये होता है, टूट जाता है, उसके बाद में वो ये निकलना चालू होता है, प्रेशर निकलना चालू होता है। और प्रेशर निकलना चालू हो गया, जैसे दबाएंगे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, मगर एक बार हमने दबा के छोड़ दिया तो क्या होगा, धीरे धीरे वो प्रेशर चालू निकलना चालू ही रहेगा, यानी प्रेशर निकलना मतलब ये रेड सिग्नल। फिर बाद में क्या करेंगे हम लोग, जो पाउडर बची है हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, समझ गए आप, सो हाँ, ये वन टाइम यूज़ है, ये वन टाइम, ये वन टाइम ऐसा नहीं है, ये चलो मैंने खोल दिया, वॉल ओपन कर दिया और जितना मंगता उतना मैंने किया, मतलब मुझे पता नहीं चलेगा अभी कितना प्रेशर है इसके अंदर गैस, नहीं तो हम लोग खाली लेके बैठेंगे, हाँ थोड़ा ही मैंने यूज़ किया है, बाद में पता नहीं चले। एक बार सील टूट गया तो इसका गारंटी कोई नहीं ले सकता है, इसका सील टूट गया तो गारंटी कोई कंपनी नहीं ले सकती। इसके ऊपर देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी ने, तेजस कंपनी फायर सर्विस ने, उन्होंने कभी किया है, ये कैपेसिटी लिखा है 4.14 केजी का, बराबर है ने, यहाँ पे रिफ़िल किया गया होता है, इसके अंदर प्रेशर भरने के लिए रिफ़िल किया जाता है, पाउडर डाला जाता है और इसमें डेट डाला जाता है, कभी हमने इसको रिफ़िल किया, क्या किया है, रिफ़िल किया, रिफ़िल करने का डेट डाला 3/7/2020 को, और इसका एक्सपायरी कभी होगा, एक साल का मैच्योरिटी रहता है, एक साल में वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में हमको अगेन रिफ़िल करना होता है। मगर रिफ़िल करने के वक्त हम लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर हम लोग करते हैं मालूम नहीं, मैंने सालों भर में देखा नहीं कभी, वो डायरेक्ट कभी दिया जाता है तो वो पाउडर वही यूज़ किया जाएगा वो, और पाउडर प्रेशर भर के देखेंगे। इसके लिए हमेशा जब भी ख़त्म होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे और इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पुल द सेफ्टी पिन, बराबर है, और फिर बाद में क्या करना है हमको, एम द बेस ऑफ फायर, क्या करना है, यहाँ पे जो होस पाइप है ये हम बाएं हाथ से पकड़ेंगे और इसको एम करेंगे जहाँ पे आग लगी है, एम द बेस ऑफ फायर, क्या बोलते हैं इसको, दूसरा अल्फ़ाबेट है ए, पुल द सेफ्टी पिन हुआ, फिर उसके बाद में दूसरा अल्फ़ाबेट है ए, एम द बेस ऑफ फायर, समझ में आया ना, एम का मतलब क्या, निशाना, जहाँ पे आग लगी है उसके बेस को हमको निशाना लगाना, क्या करना है हमको, निशाना लगाना, बराबर, एम द बेस ऑफ फायर, यानी फायर एक्सटिंग्विशर को इस तरह से हमको प्रेस करना है, एम द बेस ऑफ फायर, निशाना लगाना है, ठीक है, चालू है ना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एम द बेस ऑफ फायर, समझ में है ना आपको, अभी जब हम लोग पुल द सेफ्टी पिन कर दिया, मैंने अगर डायरेक्ट उसको प्रेस किया ट्रिगर को, क्या होगा, निशाना कहाँ पे, निशाना हमारे पैर पे, तो ये क्या होगा, निशाना गलत लग जाएगा। इसके लिए एक ये है नियम है, जो हमको पहले पुल द सेफ्टी पिन करना है, नहीं तो हम लोग दबाने को जाएंगे दबेगा नहीं, क्योंकि वो अटका हुआ है पुल द सेफ्टी पिन से, फिर बाद में एम करना है, यानी लाइन से हमको जाना है, एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगे उसके बेस को, अगर फ्लेम को अगर आप लोग निशाना लगाओगे ऊपर आ रहे, ऊपर तक आग लगी है, ऊपर लगाओगे तो नहीं होगा, तो जहाँ पे जिसको आग लगी है उसको एम करना है, एम द बेस ऑफ फायर, इस तरह से हमको पकड़ना है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये पोजीशन लिया है, लेफ्ट पैर मेरा आगे है और ये इस तरह से पकड़ा है, अभी तक मैंने दबाया नहीं, अगर मैं दबाऊंगा तो क्या होगा, निकल जाएगा, जब दबाना है तब दबाऊंगा, तब तक मैं ऐसे ही पकड़ के रखूंगा। अगर कभी क्या होता है कि मैं